नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित गुप्ता है एंड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एट JR कंप्लायंस। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल कंप्लायंस कंपनी, वी फील इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द सोसाइटी ऑन व्हाट इज कंप्लायंस। एंड कंटिन्यूइंग टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसे हम सब भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। सो दोस्तों, हर देश के पास, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन स्टैंडर्डाइजिंग बॉडी विच मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, द प्रोडक्ट्स आर गुड, ऑफ गुड क्वालिटी, दे आर सेफ, दे आर ऑफ गुड परफॉर्मेंस। एंड इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए देर हैज़ टू बी ए बॉडी जो कि उसके लिए गाइडलाइंस ड्राफ्ट करती है, विच कैन बी रेफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, बाय द इंजीनियर्स, बाय द टेक्नीशियंस, टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है जैसी कि गाइडलाइंस दी गई हैं। सो सेम वे इंडिया हैज़ इट्स ऑन स्टैंडर्डाइजिंग बॉडी दैट इज़ नोन एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारतीय मानक ब्यूरो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के साथ जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली बनते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के बेस पे इंडियन कंडीशंस को देखते हुए दे ड्राफ्ट द स्टैंडर्ड्स विच आर रेफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, देयर प्रोडक्ट्स आर गुड टू बी यूज्ड इन इंडिया एट द सेम टाइम एट इंटरनेशनल लेवल। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मेनली टॉक्स अबाउट थ्री प्रोसेसेस whenever we talk about the product level certification. So product level certification mein jo first aata hai, that is known as CRS, compulsory registration scheme. Second one is known as ISI. I'm sure ke hum sab ne ISI mark bahut sare products pe dekha hai. And third one which talks about foreign manufacturers is known as FMCS, foreign manufacturer certification scheme. Today we are going to talk about the renewal process of FMCS, known as Foreign Manufacturer Certification Scheme. So as the name indicates, this scheme is applicable to the manufacturers who are doing the manufacturing outside India and they intend to sell their products into Indian market. Now let's say if they have taken the license, then obviously first they have to use the license, and initially the license is valid for half a year, that means 6 months, and 6 महीने के बाद उनको उसे renew करना पड़ता है. So license renewal करने के लिए जो process है वो completely offline process है rather than online. So that means सभी documents को physically आपको prepare करना होगा, sign stamp करना होगा and department में submit करना होगा. So, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो एक रिक्वेस्ट लेटर दैट वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन हिज लेटर हेड रिक्वेस्टिंग दैट दे इंटेंड टू रिन्यू द लाइसेंस. सेकंड, दे हैव टू मेक पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट मार्किंग फी व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी दैट इज सोल्ड आउट इन इंडिया. सो दैट इज द सेकंड डॉक्यूमेंट. And after that, they have to provide the performance report. And जो performance report है वो manufacturer की lab में जो in-house testing होगा वहाँ से आपको वो reports मिलेगा जिसको sign and stamp करना होता है. And the last document that would be required would be the consignee details. So consignee details here means people in India to whom the manufacturer has sold out the product. So, ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर को साइन स्टैम्प करना होगा एंड एट द सेम टाइम ये डॉक्यूमेंट्स AIR ऑथराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को भी साइन एंड स्टैम्प करना होगा एंड देन दिस रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट एंड देन द इट विल बी रिन्यूड फर्दर फॉर ईदर वन ईयर और इवन मोर देन वन ईयर. इट कैन बी रिन्यूड अप टू 5 years, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वेस्ट लेटर एंड द पेमेंट ऑफ द फी. दिस वॉज अबाउट द रिन्यूअल प्रोसेस ऑफ BIS. So अगर आपको कोई, आई एम श्योर के आई वॉज नॉट एबल टू कवर इट इन टू निटिग्रिटीज. इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन विच आई एम श्योर देर आर, सो
आपकी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है। हम आपके लिए हर समय आपको सर्विस देने के लिए रेडी हैं। जस्ट रीच आउट टू अस एंड वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू दोस्तों।